हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए क्विक थिंक के चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के इस पहली का शीर्षक है, बबीता जी को जूता किसने मारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन बबीता जी पोपटलाल से कहती है, शादी के बाद आपने अभी तक मुझे शॉपिंग नहीं कराई है। तो पोपटलाल कहता है, ठीक है, कल मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन बबीता जी कहती है कि नहीं, मुझे आज ही शॉपिंग करने जाना है। तो पोपटलाल कहता है कि मैं तुम्हें आज लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। तो बबीता जी कहती है, ठीक है, तुम्हें काम है तो मैं सोसाइटी की सभी महिलाओं के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी वो लोग आज शॉपिंग करने जाने वाले हैं। तो पोपटलाल कहता है, ठीक है, तुम उन लोगों के साथ चली जाओ। बबीता जी उनके साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। शॉपिंग में सभी ने सामान खरीद लिए और सभी ने एक एक जोड़े जूते भी खरीदे। और जब वो लोग घर वापस आते हैं, तब बबीता जी कहती है, तुम सब मेरे घर चलो, तुम सभी को मैं अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाती हूँ। सभी लोग उनके घर चले जाते हैं। सभी चाय पीने के बाद सभी वापस नीचे आते हैं। बबीता जी थकान महसूस करती है और वहीं पर पास में सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक जूता आकर लगता है। वो सभी महिलाओं को बुलाती है और कहती है कि ये जूता किसने मारा। सभी महिलाएं कहती है, हमने तो नहीं मारा है। ये कहकर सभी चली जाती हैं। बबीता जी फिर सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वैसे ही जूता आकर बबीता जी को फिर से लगता है। बबीता जी गुस्सा हो जाती है और फिर से सभी महिलाओं को वापस बुलाती है। तो सभी महिलाएं कहती है कि हमने तो नहीं मारा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि बबीता जी को जूता किसने मारा है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। दोस्तों, बबीता जी को जूता अंजलि भाभी ने मारा है, क्योंकि जब शॉपिंग करके आते हैं तो अंजलि भाभी के पास ऐसे जूते होते हैं और बबीता जी को पता चल जाता है कि यह जूते तो अंजलि भाभी ने खरीदे थे, इसलिए अंजलि भाभी ने ही मुझे मारा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।